हमारी है कुल्लड़ वाली जमा है, ऐसा लग रहा नहीं है। महाराज से बहुत अच्छे दर्शन हुए बालाजी महाराज के, हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग। और अभी हम नहा धोके हो चुके हैं तैयार, अभी जो टाइम हुआ है बजे हैं 6:30 और आज हम जाने वाले हैं सालेश्वर बालाजी, तो वहाँ पे भी दर्शन करके आएंगे। हम दो दिन की प्लानिंग के लिए आए थे कि एक दिन खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे और नाइट स्टे वहीं पे करेंगे, चाय पी के हम निकलेंगे सीधे सालेश्वर, फिर आपको वहाँ के दर्शन करेंगे। वो मेरे पर्स में निकाल लो, बड़े वाले उसमें होगी चेन में। तो यहाँ पे सारा रूम फैला हुआ है, हमारे कपड़े भी फैले हुए पड़े, ये अभी हमें सेट करने हैं। मैं सोच रही हूँ उससे पहले मैं अपनी वीडियो का काम कर लूँ, थोड़ी एडिट कर लेती हूँ। मैं कितने बजे का, 6:30 का टाइम, और काफ़ी अंधेरा है, लेकिन हम लोग तो नहा धो के तैयार हो चुके हैं। ये बालकनी में ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए आए, लेकिन चाय की तो बोला 7:00 आएगी, आने वाली है। अच्छा, एक कुर्सी मेरे लिए, क्या बात है, सही मौसम बना रखा है आपने। मतलब काफी अच्छा होटल लगा मुझे बैठने के लिए। हाँ, अच्छा था, बालकनी वगैरह अच्छी एकदम बनी थी। अभी अंधेरा कितना हो रहा है यार, 6:30 हो रहा है और अंधेरा देखो कितना हो रहा है। कल मैं आई थी ना, तो मैं वेलवेट की कुर्ती डाल के आई थी कल, तो उसमें मुझे ठंड नहीं लगी थी कुर्ती, लेकिन मुझे ठंड कब लगी थी, जब नाइट में हम लोग अपने होटल में रिटर्न कर रहे थे ना, आ रहे थे, उस समय पे मुझे बहुत ठंड लगी है ना। संडे ना, तो इसलिए काफी लोग आते हैं संडे के दिन, सैटरडे को जैसे निकले या रात में निकले, मॉर्निंग में आ गए, कुछ रात में आ गए थे। हाँ। इस तरीके से तो बाल मेरे हो रहे हैं, तो गीले हो रखे हैं बाल, मेरे को लग रहा है आज ज्यादा भीड़ रहेगी, आज ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, अब मैं कर लेती हूं, अति सुंदर, अति सुंदर, थैंक यू। अब मैं कर लेती हूं अपनी वीडियो एडिट, और वीडियो एडिट करके फिर निकलेंगे। इतने बच्चे नहाएंगे अभी तो, फ्रेश वगैरह होंगे, हम तो नहा लिए और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो हमने रूम चेकआउट कर दिया है और अब हम जा रहे हैं, वहां पर पहुंचने में हमें करीबन 2.5 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। ये लीजिए सुन, आज हम पियेंगे कुल्लड़ वाली चाय, क्योंकि सुबह हम चाय पी के नहीं आए थे, मम्मी ने पी थी बस, हम लोगों ने नहीं पी थी। हाँ, तेल लगाने की आदत है थोड़ा आग का जुगाड़ मिल गया हाथ सेकने के लिए, तसले में आग जल रही है, गर्म हो गई, इतनी ठंड है यहाँ पे, सुबह और रात को ठंड है, कल नहीं लगी थी, कल मौसम सही लगा था। अरे यहाँ पे ठेज है ना, गर्मी बहुत पड़ी होती है यहाँ पे, ठेज है रात में ठंड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी गरम गरम चाय आ चुकी है, वो भी कुल्लड़ वाली, अदरक डाली भैया, ठीक है, तो गरम गरम कुल्लड़ वाली चाय। चाय तो बहुत अच्छी, चाय अच्छी है, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय, तो चाय पीने के बाद अब हम चलते हैं, क्योंकि अभी हमें पहुंचने में करीबन 2 से 2.5 घंटे आराम से लगेंगे। कितने पी तूने, चाय पी लेता तो सही रहता ना थोड़ा सा, चाय पी तो क्यों, घर पे हुआ तो पीता था, तो ऑफिस जाता था, ऑफिस के रहा थी, फ्री की थी, कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे ना, 2 घंटे कह रहा है।
यहाँ से 2 घंटे बज रहे हैं और फिर हमें निकलना है, फिर घर के लिए भी निकलना है, दर्शन करके तो देर थी, टाइम हो ही जाता है, कितना भी जल्दी कर लो। अभी हमारी यहाँ पे गाड़ी हो रही है पार्क, तो हम आ चुके हैं सालेश्वर मंदिर, गाड़ी पार्क हो रही है और अब मंदिर चलते हैं। मन था ना निका, हम अपने जूते चप्पल सारे गाड़ी में निकल के जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पता नहीं रखने की जगह है कि नहीं है। विश्वास मेरी भी रख दे बेटा, रख दे गाड़ी में, दिखाती हूँ। आज तक किसी ने ऐसे चश्मा लगाया है जो विश्वास लगा रहा है? ई स्पेक्स, ये देखो, इसमें ना डंडी की जरूरत नहीं होती, ये ऐसे सेट हो जाता है, ये ऐसे निकाल गए और ये चिपक गए, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तो निकलते भी नहीं है, ऐसे निकलेगा बेटा, निकलेगा, कई बार गिर भी चुका था तेरा, ये देखो ना, ये निकल गया, ज्यादा मूवमेंट करेगा निकल जाएगा। और यहाँ कुल्ला कर लेते पहले, कुल्ला, विश्वास, विशु चाय पी थी ना, कुल्ला कर ले पहले। नहीं बेटा ठीक नहीं, झूठे मुंह से नहीं जाते ना, कुल्ला कर लो। इतना खराब भी नहीं लेकिन तो खराब ही, बस हम थोड़ा ऐसे बना। ये प्रसाद चढ़ाने देते हैं? चढ़ा देते हैं, घर पे लेके जा सकते हैं प्रसाद, यहाँ का घर पे लेके जा सकते हैं प्रसाद? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। और सालेश्वर महाराज की जय। मंदिर इधर है, इधर आ जाओ। ये बाती का वो भी लेना है, बाती बाती भी लेनी है। पहले दर्शन कर आते विशेष से, मार्केट तो काफी अच्छा है, हर मंदिर की अलग अलग मान्यता है, लेकिन ये है श्रद्धा होनी चाहिए अपने मन में, नहीं अवश्य अवश्य अवश्य। और बजरंग बली अवश्य कन्या, अब मैं कन्या नहीं रही तो क्या बोलूं, अवश्य लेडीज नहीं, अवश्य प्रिय, प्रिय हो गई, प्रिय अवश्य, प्रिय अवश्य। तो यहाँ से मिल रहा है प्रसाद और प्रसाद लेते हैं पहले चढ़ाने के लिए। अच्छा यहाँ पे वैसे मिल रहे, चलो फिर, चलो फिर उधर से ले लो। सालेश्वर धाम की जय। चल तुम विश्वास, तुम लगा जोर से जयकारा लगा, कोई नहीं जोर से जयकारा लगा, अभी अभी लाइन है बेटा, सब लोग बोले जय बजरंग बली की जय। के दर्शन बहुत ही अच्छे से होंगे क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। फोटो खींचू, बहुत अच्छे दर्शन हुए बालाजी महाराज के और हम फर्स्ट टाइम आए, मुझे बहुत खुशी हुई और हम लोग तीर्थ स्थान ऐसे आते रहे, ठाकुर जी महाराज की कृपा बनी रहे, बुलाते रहे भगवान जी, बुलाते रहे अपने दरबार में, सही बात है, एक अंदर से एक संतुष्टि सी होती है, पता नहीं एक अंदर से आत्मा होती है भगवान के मतलब चरणों में आके और उनके दर्शन करके तो बहुत सुख सी प्राप्ति होती है, अच्छा भी लगता है। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज की हो रही है, जो भी हमने पाप किया वो नष्ट होते जा रहे हैं।
जो भी अनजाने में पाप किए वो सारे नष्ट होते जा रहे हैं भगवान के दरबार में आके। गंगा स्नान कर लो, वो भी करेंगे जैसे जैसे भगवान जी। क्या मुझे ये लेने हैं? यहाँ पर मम्मी ले रही है चूड़ी, इसकी अलग ही चलो ठीक है देख लो फिर, तो कोई नहीं है वो तो है देख ले फिर। हाँ ठीक है, हाँ हाँ चलो ठीक है। तो फिर कोई बात बाती कहाँ है बाती? कितने पूछ लो। हाँ कितने के भैया बाती, कितने की है? कितने के? 80 की। ये मम्मी ने छोड़ी ली है ये। गदा ये छल्ला है क्या? ये छल्ला नहीं है, गदा है। भारी तो देख कितना है। अच्छा मंदिर में रखने का, भारी बहुत है, भारी बहुत है। दो लेते हैं। क्या करना है मंदिर खोल के देख लो। देखा देखा, हाँ अच्छा लग रहा है गदा, अच्छा लग रहा है ना। एक गदा नहीं, वो बहुत भारी है। हाँ तो भारी होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। संकट मोचन के सामने रख लेंगे, ले लो। हाँ लेना है। इधर बैठ लो मम्मी, इधर बैठ लो। यहाँ पे मम्मी कचौड़ी खाते हुए, उधर विशेष खा रहा है, उधर उसके पापा और विश्वास खा रहे। मेरा कचौड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा मेरा। और मैम आई है झज्जर से, क्या कहते हैं, साली सर के दर्शन करने के लिए। और मैम मुझे यहाँ पे मिली है, बहुत ही क्यूट सी मैम है। आप कप में डाल के फोड़न होता है ना, उसे स्टीम करके मसाला वसाला डाल के देते हैं, तो मैं वही खा रही हूँ। एक मिनट भैया, हाँ क्या लिया विशेष? वेरी गुड, ये सही है। उनसे सही है बता दूं मैं, वो उसमें स्वाद नहीं था, उनमें कुछ भी स्वाद नहीं था। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। अब 3 से 4 घंटे से पहले गाड़ी हम कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, कंटिन्यू चलेंगे, और उसके बाद सीधा हम लेंगे लंच और फिर अपने घर पे पहुंचेंगे। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है, थोड़ा सा इधर गन्ने का जूस पियेंगे, और करीबन 3 घंटे से हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, तब से हमने ब्रेक नहीं लिया। हाँ सब पियेंगे। तो पहले गन्ने का जूस पीते हैं ठंडा ठंडा। हाँ अच्छा लग रहा है ना उधर का व्यू। ठंडा ठंडा गन्ने का जूस।
आज हमने लंच नहीं किया, अभी जो टाइम हुआ है 4:30 हुए हैं, पहले हम लंच करेंगे उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। और तीन डोसा, तीन रवा मसाला डोसा, तीन रवा मसाला डोसा, तीन रवा डोसा आएगा ना। तो यहाँ पे इनकी थाली तो आ चुकी है। ये मेरी थाली नहीं, मैं तो नहीं खा पाऊंगा, ये मैडम की थाली है। किसकी? मेरी है पक्का। चलो ठीक है, मैं आप खा लोगे? मैं स्टार्टिंग करूंगी। आप लोग देखो कितना खाती है। हां भाई, जितना मेरे पेट में आएगा उतना खाऊंगी। और उसके बाद ही कमजोर है। कमजोर तो नहीं हूं, मतलब कि कमजोर नहीं कह सकते आप मुझे, बहुत स्ट्रांग हूं मैं। तो थाली में क्या क्या है? ये कौन सी सब्जी है? ये कौन सी सब्जी है? बीन्स की है? ये कौन सी सब्जी है? मिक्स वेज है, ये मिक्स वेज है, सैलेड है, इसमें पापड़ है, रोटी है, राइस है, दाल मखनी है, शाही पनीर है और रायता है। ये लीजिए, ये भी सैलेड खाइए आप। सबसे पहले उद्घाटन आप ही करो, क्योंकि सबसे पहले थाली आपकी आई है। अभी हमने हमने डोसा मंगाया है तो उसमें टाइम लगेगा बनने में। डोसा गरम गरम आएगा ना आपके लिए। हाँ, विश्वास इडली डोसा और इडली। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा डोसा आ चुका है। डोसा मसाला, डोसे मसाला, मसाला क्या था? सारे मसाले। टेस्ट करके बताओ विशेष कैसा डोसा? बढ़िया। विश्वास कैसा? क्या खाया तूने अभी? कैसी है? सही है? टेस्ट अच्छा है? नहीं है? आपको कैसे लग रही है मम्मी? सही लग रहा है डोसा? सही लग रहा है? अच्छा, मेरा भी डोसा आ गया है। क्या हुआ? जरूरत पड़ेगी और मंगा लेंगे। क्यों विशेष? जरूरत पड़ेगी तो और मंगा लेंगे। खाना पीना बंदा चंगा रहता है, खाना पीना बंदा चंगा रहता है। आओ प्लेट करो। तो लंच हमने कर लिया है आज। तो लंच हमारा हो गया। आज लंच हमने कितने बजे किया? सही 5 बजे, यानी कि लंच और डिनर एक साथ हो गया हमारा। और घर पहुंचते पहुंचते अभी 6:30 और 7 बजी जाएंगे हमें। 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। और फिर जॉर्ज भी लेना है, जॉर्ज हमारा इंतजार कर रहा होगा। खाना खाने के बाद हम लोग भैया तुम ये लो पकड़ो। सभी को एक टिप देती हूँ, जिनको भी ऐसा लगता है ना कि गाड़ी में थोड़ा वोमिटिंग का मन होता है, जी खराब होता है, जी मुझरा जाता है, तो खाना खाने के बाद या फिर गाड़ी में बैठने से पहले आइसक्रीम खा लिया करो। मेरा तो सही हो जाता है। मैं खुद का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर। पिछली बार तो कर दी थी आपने उल्टी। उल्टी तो करी है। मेरा जी खराब होता है।